मित्रों, इकोनॉमी का सेकंड पिलर बजट, वहां पर हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स खत्म किए, उसके ऊपर ब्लैक मनी की समस्या, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, पोएम गार, नए बजट के अंदर टीडीएस, टीसीएस, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, वो सारे मुद्दे लास्ट वीडियो में देख लिए थे। नाउ इन दिस पार्ट नोटबंदी के बारे में देखेंगे। यहां पर हम इकोनॉमिक सर्वे का थर्ड चैप्टर, विमुद्रीकरण को वरदान माने या अभिशाप, उसका जिस्ट पढ़ेंगे फॉर प्रीलिम एग्जाम। पहला मुद्दा कि भारत के अंदर की गई नोटबंदी अन्य देशों से यूनिक कैसे है। दूसरा मुद्दा, क्या सच में 500 और 1000 के नोट के अंदर काले धन का संग्रह हो रहा था। इकोनॉमिक सर्वे सॉइल रेट के कैलकुलेशन से ऐसा कुछ साबित करने का प्रयत्न करता है, वो क्या मुद्दा है। थर्ड, अगर काला धन 500 1000 की नोट में था, तो फिर 97% ऑफ दिस बैंड नोट्स वो बैंकिंग सिस्टम में वापस कैसे जमा हो गए, और अगर ऐसा हुआ है तो क्या हम बोले कि नोटबंदी एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट था ब्लैक मनी के खिलाफ। सर्वे बोलता है ना, शॉर्ट टर्म चैलेंजेस है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स है। एंड लास्टली, ये नए 500 और 2000 के नोट में क्या सिक्योरिटी फीचर्स हैं जिसके कारण उसका नकल बनाना मुश्किल है। मित्रों, इस साल के लेक्चर सीरीज के फर्स्ट लेक्चर बैंकिंग और वहां पर ये लीगल टेंडर में मैंने आपको पढ़ा दिया था कि भारत में 46, 78 और फिर 2016 में तीन स्टेज में नोटबंदी की गई थी। नोटबंदी असल में होती कैसे है एडमिनिस्ट्रेटिवली। आरबीआई का बोर्ड सिफारिश करेगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री नोटिफाई करेगा, एंड लाइक दैट पुराने नोट आप जमा करिए। फिर स्पेसिफाइड बैंक नोट्स, सीजेशन ऑफ लाइबिलिटी, पहले ऑर्डिनेंस, फिर बिल और फिर कानून के तहत बोल दिया गया कि एक तय तारीख के बाद ये पुराने नोट आरबीआई की लाइबिलिटी नहीं रहेंगे, आपने सारे पुराने नोट उससे पहले जमा कर देने हैं। अगर आप रिसर्च के लिए, हॉबी कलेक्शन के लिए थोड़े पुराने नोट अपने पास रखना चाहें तो ओके, बट बियॉन्ड दैट लिमिट अगर आप पुराने नोटों के साथ पकड़े गए तो आपको बहुत बड़ा दंड हो सकता है। अब ये सारे मुद्दे मैं आपको पहले ही बैंकिंग में पढ़ा चुका हूं, तो वापस मैं बोल नहीं रहा, स्लाइड आराम से घर पे पढ़ लेना। यहां पर हमने पहला मुद्दा देखना है कि भारत के अंदर की गई नोटबंदी अन्य देशों से यूनिक कैसे है। 2013 स्वीडन के अंदर भी कुछ पुराने नोट्स बंद किए गए, बट 2017 के बाद से, मतलब बहुत एडवांस में सबको जानकारी दी गई। यूरोपियन यूनियन ने बोला कि 500 यूरो का खास करके टेरर फाइनेंस में दुरुपयोग हो रहा है, तो 2018 से उनको बंद करेंगे, बट ये बाबत उन्होंने 2016 में एडवांस में जाहिर कर दिया था। पाकिस्तान के अंदर 2015 में नोटबंदी, बट पुराने नोट 2021 तक चलेंगे, आप पुराने नोट जमा कर सकते हो। तो इन सभी देशों के विपरीत भारत में तो एडवांस नोटिस नहीं, 8 नवंबर को अचानक को शाम को मोदी ने बोल दिया कि ये 500 और 1000 के नोट बंद हैं और अगले 50 दिनों में 30 दिसंबर तक आपने जमा करने हैं। अवर डिमोनिटाइजेशन वॉज अनप्रेसिडेंटेड इन इट्स सीक्रेसी एंड सडननेस कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। अन्य देशों में नोटबंदी होती है जब वॉर की समस्या हो, हाइपर इन्फ्लेशन या पॉलिटिकल अपहीवल, तो अचानक से ख्याल आ जाता है और कर देते हैं, जबकि भारत के अंदर तो सोच समझ के तय करके रखा था कि भाई करप्शन से लड़ना है, ब्लैक मनी से लड़ना है, नोटों की काउंटरफेटिंग और टेरर फाइनेंस से लड़ना है, देयरफॉर वी डिड दिस थिंग। तो इस प्रकार से भारत की नोटबंदी अन्य देशों से यूनिक है। सेकंड, सब प्राइम क्राइसिस के बाद अमेरिका में यूएस फेडरल रिजर्व वाले टॉक्सिक बॉन्ड खरीदते थे, सामने पैसा देते थे, तो मनी सप्लाई वॉज बींग इंक्रीज। उसी प्रकार यूरोपियन सेंट्रल बैंक वो बॉन्ड खरीद लेता था, सामने पैसे देता और पुराने बॉन्ड डिस्ट्रॉय कर देता। सो लाइक दैट देवर क्रिएटिंग न्यू मनी, हाई लिक्विडिटी, जिसको हेलीकॉप्टर मनी बोला गया। तो एक तरफ जहां अमेरिका और यूरोपियन यूनियन में पैसों का सप्लाई बढ़ा जा रहा था, हमने तो पुराने नोट ही डिस्ट्रॉय कर दिए। सो इट वॉज लाइक अ रिवर्स ऑफ हेलीकॉप्टर ड्रॉप, जिसको हेलीकॉप्टर हुवर भी बोल सकते हैं, ऐसा सुब्रमण्यम बोलते हैं। सो इन दिस वेज इंडियन डिमोनेटाइजेशन वॉज यूनिक कम्पेयर टू अदर कंट्रीज एंड रीजन्स। मित्रों, मनी के अलग अलग फंक्शंस मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा दिए थे। वह दो अगत्य के फंक्शन थे, दैट मनी सर्व्स एज अ मीडियम ऑफ ट्रांजेक्शन एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। व्हाइट ट्रांजेक्शन में भी यूज कर सकते हो, ब्लैक ट्रांजेक्शन में भी यूज कर सकते हो। सर्वे ग्राफ के जरिए ये दिखाता है कि जैसे जैसे आपके देश का जीडीपी बढ़ेगा तो करेंसी का यूज बढ़ेगा, कैश टू जीडीपी बढ़ेगा, और वहां पर भी हाई वैल्यू नोट्स उसका जीडीपी के सामने, मतलब परसेंटेज वाइज शेयरिंग बढ़ता जाएगा। बिकॉज जैसे जैसे लाइफस्टाइल इंप्रूव होगी, आप समझिए पिज्जा मूवी खाने के लिए दो जने गए, 400 रुपये का बिल बनेगा, 800 का बिल बनेगा, सो यू नीड 500 नोट्स, 1000 रुपीज नोट्स। तो जैसे देश का विकास हो तो ये होना चाहिए, परंतु भारत के अंदर कुछ जरूरत से ज्यादा ही हो गया है। अवर कैश टू जीडीपी रेशियो 12.04%, इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। ये इतने सारे नोट छापने का खर्चा, बैंकों तक उसको सिक्योरली पहुंचाने का खर्चा, दैट इट सेल्फ इज 1.7% ऑफ द जीडीपी।
अगर हम अन्य देशों के साथ तुलना करें तो भारत के अंदर टोटल ट्रांजेक्शन में 98% बाय वॉल्यूम एंड 68% बाय वैल्यू कैश के माध्यम से हो रहा है। इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? मान लीजिए मैं 10 रुपये का एक ट्रांजेक्शन करूँ, 20 रुपये का दूसरा ट्रांजेक्शन करूँ कैश में, और फिर 100 रुपये का पेट्रोल भरवा दूँ क्रेडिट कार्ड से, वो तीसरा ट्रांजेक्शन। तो 1, 2, 3, 4 करके आप अगर 100 ट्रांजेक्शन गिने, उसमें से 98% 98 इन क्वांटिटी कैश के द्वारा हो रहे हैं, और वैल्यू के हिसाब से गिने तो पता चलेगा कि 68% हो रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि बहुत बड़े मूल्य के ट्रांजेक्शन, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 50 लाख, तो बहुत सारी जगह पर नेफ्ट, आरटीजीएस और बैंक के माध्यम से वो पेमेंट हो रहा है, राइट? तो वैल्यू के वाइज परसेंटेज कम आ जाएगा, वॉल्यूम के वाइज ज़्यादा हो रहेगा। एनीवेज, इन आइदर केस भारत के अंदर ये आंकड़े कुछ ज़रूरत से ज़्यादा है। ये बात बराबर है कि इंडोनेशिया से तो हम फिर भी अच्छे हैं, बट इंडिया इज अ ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, तो हमने कंपेयर करना चाहिए चाइना, जापान, यूएस, तो उनके सामने भारत के अंदर कैश का उपयोग कुछ ज़रूरत से ज़्यादा है। अब प्रश्न होता है, ये 500 और 1000 के नोट में क्या सच में ब्लैक मनी स्टोर किया जा रहा था? सर्वे बोलता है कि सॉइल रेट की मदद से जरा प्रोजेक्शन निकालते हैं। मित्रों, मान लीजिए आरबीआई ब्लैक शूज बनाने का काम शुरू करता है, और बोला जाता है लोगों को, आपको ये शूज देते हैं, आप इस्तेमाल करो, जब घिस जाए तो हमको वापस दे देना। और फिर पता चला कि जब 3 नई जोड़ी जूती उन्होंने मैन्युफैक्चर किए, तो पुरानी एक जोड़ी जूते रिटर्न हो गए क्योंकि घिस गए थे। तो मतलब 1/3, 33%, ये 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये के नोट का कुछ केस ऐसा ही है कि यहाँ पर सॉइल रेट इज 33%। सॉइल रेट, इट इज द रेट एट विच नोट्स आर कंसिडर्ड टू बी टू डैमेज टू यूज एंड रिटर्न बैक टू द सेंट्रल बैंक। ये एक बात हुई कि छोटे मूल्य के नोटों में सॉइल रेट 33% है। साथ ही साथ आरबीआई ये व्हाइट कलर के स्पोर्ट शूज बनाने का काम भी करे, और यहाँ पर भी वही बात कि आप पहनना, घिस जाए तो हमको वापस दे देना। और पता चले कि 5 नई जोड़ी बनाई गई, तब तक एक पुरानी जोड़ी घिस गई तो आरबीआई को वापस मिल गई। तो यहाँ पर सॉइल रेट कितना हुआ? 1/5, 20%, तो कुछ ऐसा ही, उससे ज़्यादा। 500 रुपये के नोट के अंदर सॉइल रेट है 22%, और 1000 रुपये के नोट में सॉइल रेट है अराउंड 11%। अब ये ऐसी एनामोली क्यों है? पहला तो आप समझ सकते हैं भाई, 10 रुपये से 100 रुपये के नोट, मतलब कि वो ब्लैक शूज, तो ब्लैक शूज आपने रोज पहने तो जल्दी घिस जाएंगे, ये व्हाइट पीटी वाले शू वो तो शनिवार को आधा दिन ही पहने हैं तो कम घिसेंगे, राइट? सो बिकॉज लो डिनोमिनेशन नोट्स हैव हायर फ्रीक्वेंसी, उस कारण उनका सॉइल रेट ज्यादा होता है। 500 1000 के तो हम रोज इस्तेमाल नहीं करते, तो उनका ये घिसाव दर कम रहता है। मनी का एक फंक्शन था मीडियम ऑफ ट्रांजेक्शन, तो उस हिसाब से तो बनता है कि भाई कम इस्तेमाल होता होगा तो कम घिसेगा। मनी का दूसरा एक फंक्शन था स्टोर ऑफ वैल्यू, तो अगर 500 और 1000 रुपये के नोट काला धन जमा करने के लिए, तिजोरी में भर के रखने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं तो भी कम घिसेंगे क्योंकि उपयोग कम होगा, सो देयर फॉर देयर सॉइल रेट इज लेस। इन दोनों में से कौन सा कारण ज़्यादा प्रमुख है, ये देखने के लिए अरविंद सुब्रमण्यम ने अमेरिका के 20 डॉलर, 50 डॉलर, 100 डॉलर के सॉइल रेट का अध्ययन किया। अमेरिका में हाईएस्ट डिनोमिनेशन होता है 100 डॉलर का नोट, और उस हिसाब से कंजम्पशन, इनकम, टैक्सेशन सारे आंकड़े जोड़े, एंड ही केम अप विद अ फिगर कि भारत के अंदर करीब 3 लाख करोड़, यानी कि जीडीपी का 2% हिस्सा ये 500 1000 के नोट के अंदर ब्लैक मनी के स्वरूप में स्टोर हुआ होगा। ओके, मान के चलते हैं कि भाई 3 लाख करोड़ का ब्लैक मनी 500 और 1000 के नोट में लोगों ने जमा करके रखा था, और कुल मिला के 500 और 1000 की नोटों का कुल मूल्य भारतीय इकोनॉमी में था 15 लाख करोड़ के ऐसे नोट थे। तो जब डीमोनेटाइजेशन हो गया और आपने पुराने नोट बैंकों में, पोस्ट ऑफिस में, आरबीआई में जमा करने थे, तो उस हिसाब से 3/15 अर्थात 20% ऑफ द बैंड नोट शुड नॉट कम बैक इन टू द बैंकिंग सिस्टम, राइट? परंतु ये नोटबंदी नवंबर, दिसंबर और उसके बाद जनवरी में रिपोर्ट आता है, पता चलता है कि ऑलमोस्ट 97% ऑफ दिस बैंड नोट्स हैव केम बैक इन टू द सिस्टम, अराउंड 3.6% इज नॉट रिटर्न, अर्थात केवल 54,000 करोड़ रुपये का ब्लैक मनी ही नष्ट हुआ, बाकी सारे पुराने नोट तो वापस आ गए। अब इससे प्रश्न होता है कि ऐसा कैसे हो गया, लोगों ने अपने पुराने नोट कैसे जमा कर दिए, कैसे बदलवा दिए? कुल मिला के 8-9 बड़े तरीके अपनाए गए। सबसे पहला तरीका था, नेताओं ने, बिल्डर्स ने मजदूरों के जनधन अकाउंट में पैसा जमा कर दिया, देवर यूज एज मनी म्यूल्स। फाइनेंशियल इंक्लूजन वाले लेक्चर में मैं ये पढ़ा चुका था, आप ये लिंक में देख लेना। दूसरा तरीका, लोगों ने ये हवाला एजेंट, बैंक मैनेजर, उनको कमीशन दे के पुराने नोट बदलवा लिए,
बियॉन्ड दैट 15,000 20,000 वो सारे लिमिट के ऊपर भी एंड विदाउट केवाईसी पुराने नोट जमा कर दिए और वापस नए नोट ले लिए। तीसरा तरीका, बदमाशों ने अपने शेल फॉर्म्स बना दिए और बैंक मैनेजरों को पैसा खिला के पुराने नोट जमा कराए और फिर आरटीजीएस के मार्फत उन शेल फॉर्म्स के करंट अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करवा दिया। चौथा तरीका, नेताओं ने गरीब लोगों को लोन के स्वरूप में पैसा दे दिया और ब्याज मुद्दल के साथ नए करेंसी नोट में हमको फिर वापस करना। बिल्डर्स ने, उद्योगपतियों ने मजदूरों को एडवांस सैलरी के रूप में 5,500 के नोट दे दिए और फिर कि पूरा साल आप काम करेंगे, अपने खातों में ये पुराने नोट जमा कर दो। नेताओं ने कोऑपरेटिव बैंकों के अंदर बैक डेटेड फिक्स डिपॉजिट में ये पैसा आया है उस प्रकार से 5,000 के नोट जमा करवा दिए और रसीद ले ली। खैर, उससे लड़ने के लिए तो अब बजट में भी बोला गया है कि प्राइमरी विलेज सोसाइटी से लेके डिस्ट्रिक्ट का सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, उन दोनों के बीच कोर बैंकिंग सॉल्यूशन करेंगे ताकि ऐसा मैनिपुलेशन करना असंभव हो जाए। छठा तरीका, कई नेता, मैं किसान हूं, मेरे पास खेती की जमीन है और फिर एग्रीकल्चर इनकम पे तो केंद्र सरकार इनकम टैक्स ले नहीं सकती और राज्य सरकार वाले वोट बैंक के लिए लेते नहीं हैं। तो ऐसे नेता एंड उद्योगपति टर्न फार्मर्स, उन्होंने ऐसा दिखाया कि हमारे पास ये 500 और 1,000 के जो नोट हैं वो तो हमने पहले गेहूं चावल बेचे थे, उसके ये लाखों रुपए की हमको आमदनी हुई और फिर हम बैंक में जमा कर रहे हैं। सो लाइक दैट दे कैप बैक डेटेड मंडी सेल रिसीट। तो इनकम टैक्स की कोई इंक्वायरी भी है तो बता सकते हैं, तो एग्रीकल्चर की इनकम से तो वो टैक्स में पैसा मांग नहीं सकते। नोटबंदी 8 नवंबर को शाम को बताया गया तो रात को ही दौड़ दौड़ के लोगों ने ज्वेलर्स के पास से बहुत सारा सोना खरीद लिया और नोटबंदी होने के बाद भी पुराने नोट लेके ज्वेलर्स ने 2-3 हफ्ते तक ऐसा गेम करते रहे और फिर ये सोना तो हमने नोटबंदी से पहले बेचा था, ऐसा बैक डेटेड इनवॉइस बता दिए। तो ये बैक डेटेड गोल्ड एसेट सेल परचेज ऐसा करके ये 5,000 के नोट कलेक्ट कर लिए और बैंकों में अपने जमा कर दिए। कुछ लोगों ने ये नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट टेम्पल पॉलिटिकल पार्टीज वहां पर पुराने नोट जमा कराए और क्योंकि इनके ऊपर तो इनकम टैक्स लगता नहीं तो वो लोग तो जाके 500,000 बैंक में भी जमा करे, कोई टेंशन है नहीं और फिर आपस में समझ लेंगे चीजें। एंड द नाइन्थ मेथड इज मिसेलिनियस क्रिएटिव वेज। फॉर एग्जाम्पल, नोटबंदी के बाद यात्रियों को परेशानी ना हो इसलिए कुछ समय तक रेलवे वालों ने बोला कि हम पुराने 500,000 के नोट भी लेके आपको टिकट बेचेंगे। तो कुछ लोगों ने अपना ब्लैक मनी 500,000 का उसको रिसाइकल करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी के लॉन्ग डिस्टेंस के एकदम महंगे वाले टिकट खरीदे और फिर आगे चल के टिकट कैंसिल कराया ताकि रिफंड में हमको नई करेंसी मिल जाए। उसी प्रकार बहुत सारे अलग अलग क्रिएटिव वेज अपनाए गए, बट हमने यहाँ पर उसकी पीएचडी नहीं करनी। बेसिकली दीज आर द नाइन मेजर थिंग्स वी कैन कंसिडर। तो अगर ये सब करके लोगों ने 97% ऑफ द ओल्ड नोट्स दे रिटर्न टू द बैंकिंग सिस्टम और हार्डली 50-55 हज़ार का ही काला धन नष्ट हुआ, तो क्या हम ये बोले कि नोटबंदी वॉज अ फेल्ड एक्सपेरिमेंट? अरविंद सुब्रमण्यम बोलते हैं कि पान के गले पे बैठने वालों तुम लोग गलत हो, डीमोनेटाइजेशन इज नॉट अ फेल्ड एक्सपेरिमेंट, डीमोनेटाइजेशन इज अ टैक्स ऑन ब्लैक मनी। कैसे? नोटबंदी के बाद जिन लोगों ने अपना 500,000 के नोट बैंक में जमा नहीं किए तो वो तो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, मतलब उनके ऊपर तो 100% टैक्स लग गया ब्लैक मनी पर। जिन लोगों ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में अपना काला धन घोषित कर दिया तो वहां पर 50% वॉज गॉन एज टैक्स एंड पेनल्टी और बाकी की रकम में भी 25% वॉज फ्रीज। जिन व्यापारियों ने पुराने नोट लेके ये गोल्ड वगैरह बेचा, बैक डेटेड इनवॉइस बनाया, तो उसके ऊपर भी वैट तो लगेगा, तो इस प्रकार से टैक्स तो आ गया थोड़ा। जिन लोगों ने शेल कंपनियां बनाई हैं और वहां जीरो प्रॉफिट दिखाते हैं उनके ऊपर भी 18.5% मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स तो लगेगा और इस प्रकार की शेल कंपनियों को पकड़ने के लिए बेनामी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। सेबी ने भी ऐसी कंपनियों के पेनी स्टॉक के ऊपर कार्रवाई शुरू की है, तो एक प्रकार से टैक्स पेनल्टी तो आएगी ही। जिन लोगों ने हवाला एजेंट को, बैंक मैनेजर को कमीशन दे के अपने पुराने नोट बदलवा लिए, तो जो कमीशन में पैसा दिया भले सरकार को नहीं मिला बट एज अ टैक्स वो व्यक्ति के ऊपर तो दंड ही हुआ। उसी प्रकार जनधन अकाउंट के अंदर जो खाते में पैसा जमा कराया तो गरीब आदमी ने भी थोड़ा तो उसको कमीशन के स्वरूप में मिला होगा, सो इट इज लाइक अ टैक्स। जिन लोगों ने मजदूरों को एटीएम की लाइन में खड़ा रखवाया कि हमारे बदले आप पैसा जमा करना, विड्रॉ कर दें, तो वो मजदूर को भी कमीशन के रूप में कुछ परसेंटेज दिया गया होगा, सो लाइक दैट इट वॉज अ टैक्स। एंड लास्टली, ये उद्योगपतियों ने एडवांस सैलरी के नाम पे पूरे साल का पगार 500,000 की नोट में एक बार में ही दे दिया, तो आप समझिए अगर वो महीने महीने करके देता तो उतने टाइम वो उसके ऊपर, मान लीजिए बैकएंड में वो किसी गैर कानूनी शॉप के मार्फत ब्याज में घुमा रहता तो कितना ब्याज कमा लेता। सो ऑल दैट वॉज लॉस, सो लाइक दैट इट इज अ टैक्स ऑन ब्लैक मनी।
सो इन दिस वेज डीमोनेटाइजेशन हेल्प इन द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, कि महलों में रहने वाले अमीरों से थोड़ी वेल्थ पहुंच गई एटीएम की कतार में खड़े रहने वाले गरीबों तक, प्राइवेट सेक्टर से वेल्थ थोड़ी पहुंच गई पब्लिक सेक्टर में। कैसे? ये नोटबंदी के बाद व्यापारी खौफ में आ गए और जो लोग पहले सर्विस टैक्स एक्साइज वैट जीएसटी वगैरह में रजिस्टर नहीं करा रहे थे उन्होंने भी करा दिया, तो उस प्रकार से जो जो धन फिर टैक्स के स्वरूप में सरकार में मिलेगा इट इज़ अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, और फिर वो नीचे गरीब कल्याण की योजनाओं में इस्तेमाल किया जाएगा। और मित्रों, जिन लोगों ने अपना काला धन बैंकों में जमा कर लिया तो वो भी पकड़ने के लिए नोटबंदी के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऑपरेशन क्लीन मनी लॉन्च किया, जिसके फर्स्ट फेज में ऐसे 18 लाख लोगों को नोटिस दी गई जिनके खाते में कुछ ज़्यादा ही धन जमा हो गया था। सो दे वर आस्क टू एक्सप्लेन देयर सोर्स ऑफ इनकम, पहले कितना टैक्स भरा था वगैरह वगैरह। एंड देन इन द सेकेंड फेज ऐसे 60,000 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया जिन्होंने ये नोटबंदी के दौरान हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन किए थे, कि सोना बहुत सारा खरीद लिया, जमीन खरीदी, गाड़ियाँ, व्हाटएवर। उनसे भी उनके आवक के सोर्सेज वगैरह के बारे में पूछा जाएगा, एंड दोज हु कैनॉट गिव प्रॉपर जस्टिफिकेशन तो पेनल्टी टैक्स और वो सब तो लगने ही वाला है। तो मतलब भले 97% ऑफ द बैंड नोट्स केम बैक, बट टैक्स में तो वो धीरे धीरे रकम आ ही जाएगी। देयरफॉर डीमोनेटाइजेशन इज नॉट अ फेल्ड एक्सपेरिमेंट, ये बात सही है कि शॉर्ट टर्म में वहाँ पर चैलेंज होगी बट लॉन्ग टर्म में बेनिफिट बहुत सारे हैं। शॉर्ट टर्म बैंकिंग सेक्टर में चैलेंज क्या, डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट कम होंगे, लॉन्ग टर्म में कि लेंडिंग के इंटरेस्ट रेट भी कम होंगे, सस्ते ब्याज पे लोन मिलेगा तो इकोनॉमी ग्रो करेगी। रियल एस्टेट में ये बात सही है कि मकानों की बिक्री में बीच में कमी आ गई, बट इन लॉन्ग टर्म मकानों के दाम भी कम होंगे और अगर मकान सस्ते हो गए तो वहाँ भाड़ा भी सस्ता हो जाएगा। दिस विल हेल्प इन द लेबर मोबिलिटी, क्योंकि दोस्तों अपने कोस्टल स्टेट में 2020 के बाद डेमोग्राफिक डिविडेंड कम होना शुरू हो जाएगा बिकॉज एज्ड पॉपुलेशन विल इंक्रीज, तो मतलब कि दूसरे राज्यों से वहाँ पर लेबरर ने ज़्यादा शिफ्ट करना पड़ेगा टू सस्टेन देयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बट वो माइग्रेंट्स को रहने के लिए भी मकान चाहिए, तो सस्ते में मकान, भाड़े पे सस्ते पे मकान वो मिल सके, ऐसा लॉन्ग टर्म बेनिफिट डीमोनेटाइजेशन ने करवाया है। मान लीजिए आपके पास 10 करोड़ का बंगला था और नोटबंदी के बाद क्योंकि रियल एस्टेट में मंदी है तो आप बेचने भी जाएंगे तो 5 करोड़ हार्डली यू कैन गेट। सो लाइक दैट प्राइवेट वेल्थ कम हुई, दैट इज द शॉर्ट टर्म चैलेंज, बट इन लॉन्ग टर्म पब्लिक वेल्थ बढ़ेगी बिकॉज ऑफ द टैक्स कंप्लायंस। उसी अनुसंधान में ये 18 लाख लोगों को नोटिस देना है वगैरह, तो टैक्स ऑफिशियल का वर्कलोड बढ़ गया, वो नोटिस को प्रोसेस करना, डेटा एनालिटिक्स करना, तो शॉर्ट टर्म चैलेंजेस उसमें बढ़ेंगे, बट लॉन्ग टर्म में लोग खुद ही खौफ में आके अपना नियमित रूप से डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स भरेंगे तो कंप्लायंस बढ़ जाएगा और वो वर्कलोड उस प्रकार से कम हो जाएगा। ब्रॉडर इकोनॉमी में ये बात सही है, शॉर्ट टर्म में जॉब लॉस, फार्म इनकम में कमी आई, डिस्ट्रेस सेल करना पड़ा फार्मर ने। नोटबंदी के 50 दिनों के समय में जो जो मूवी आई, भले अच्छी एक्टिंग हो, अच्छी स्क्रिप्ट हो, फिर भी कोई भी 100 करोड़ का मार्क नहीं ले पाई बिकॉज जनता के पास हाथ में पैसों की तंगी थी। तो दैट वॉज लाइक अ शॉर्ट टर्म चैलेंज, बट इन लॉन्ग टर्म इट विल क्रिएट स्टेबिलिटी इन द एंटायर इकोनॉमी, फॉर्मल जॉब्स क्रिएट होंगे वगैरह वगैरह। जीडीपी में भी हो सकता है शुरू में थोड़ा स्लो डाउन आ जाए, बट इन लॉन्ग टर्म इट विल स्टेबिलाइज अवर जीडीपी ग्रोथ। मित्रों, प्रीलिम के लिए खास करके कुछ अजर्शन रीजनिंग टाइप के सवाल निकल आए, उस वास्ते मैंने ये आपको शॉर्ट टर्म चैलेंज लॉन्ग टर्म बेनिफिट पढ़ा दिए। मुख्य परीक्षा इंटरव्यू के लिए जरा रिफाइंड तरीके से आपने इसको समझना और बोलना और लिखना पड़ेगा, उसके लिए आप इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर 3 और वहाँ पर सेकंड नंबर का टेबल है, वहाँ पर आप आराम से वो चीज़ें पढ़ लेना। मेंस में इंटरव्यू में जो भी पूछा जाए नोटबंदी के बारे में, हमेशा बोलना है कि शॉर्ट टर्म चैलेंज लॉन्ग टर्म बेनिफिट, सेम फॉर जीएसटी ऑल्सो। अब वहाँ पर ये सारी गले वाली चर्चा कि भाई नोटबंदी से बेरोजगारी हो गई, सोशल डिसरप्शन, लोग एटीएम की कतार में खड़े रह के मर गए, उस समय तो जर्नलिस्ट ने ऐसा नियम कर दिया था कि भाई एटीएम के 500 मीटर के दायरे में कोई भी किसी भी कारण मर जाए तो भी वो बिकॉज ऑफ नोटबंदी मर गया, ऐसे रिपोर्ट कुछ लोग बना देते थे। सो हाउ मैनी ऑफ देम आर जेन्युइन, हाउ मैनी ऑफ देम आर मेड अप स्टोरीज, वो सब सोचने की बात है। सिमिलरली ये नोटबंदी ब्लैक मनी से लड़ना है वो तो एक बहाना था, बाकी तो सरकारी बैंकों में एनपीए की समस्या है तो उनकी डिपॉजिट का ग्रोथ बढ़ा के कुछ किया जा सके, इस प्रकार का एक ये जुगाड़ बनाया गया था। इवन पब्लिक अकाउंट कमेटी ने भी उर्जित पटेल को बुला के धमकाया था वगैरह वगैरह। ये सारी पान के गले वाली चर्चा ये मुख्य परीक्षा में और इंटरव्यू में चर्चा के लायक विषय नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे ने भी यही बोला कि सर्वे कोई गला पुराण नहीं है, सर्वे इज नॉट अ पब्लिक फोरम फॉर डिस्कशन एंड क्रिटिसिज्म,
बस इतना ही आप पकड़ के रखो भाई, शॉर्ट टर्म चैलेंज, लॉन्ग टर्म बेनिफिट, चाहे नोटबंदी हो चाहे जीएसटी हो। और वैसे भी जीडीपी ग्रोथ में क्या कमी आ गई वो तो डेटा आने के बाद ही बोल सकते हैं, और क्वार्टर थ्री 2016 का डेटा तो ये बोलता है कि भाई जीडीपी ग्रोथ रेट तो 7% रहा, क्रिटिक्स बोल रहे थे एकदम घट के 4% 5% होना चाहिए। सो हाउ दिस मैजिक हैपन, वो भी एक सोचने का विषय है, दैट एक्सप्लेनेशन आई विल गिव इन द फोर्थ पिलर ऑफ इकोनॉमी, और वहाँ जीडीपी कैलकुलेशन में हम वो देखेंगे। तो मित्रों ब्लैक मनी के अनुसंधान में जो प्रमुख बातें देखनी थी फ्रॉम चैप्टर थ्री देख ली, अब कुछ मिसेलेनियस ऑब्जर्वेशन। ये अरविंद सुब्रमण्यम ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल से कुछ आंकड़े जोड़ के दिखाया कि भाई करप्शन कितना है और सामने हाई वैल्यू नोट कितने हैं। भारत आप देखिए एक जो ऑरेंज कलर की लाइन है उसके ऊपर दिखाया जा रहा है, सो इंडिया इज अबव द लाइन। उसका मतलब क्या कि भारत में जितना 500,000 के नोट हैं उसकी अपेक्षा करप्शन कम है। इसके दो मतलब हो सकते हैं, या तो कि करप्शन अंडर रिपोर्टेड है उतना हम आंकड़ों में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, या दूसरा कारण हो सकता है कि मनी का यूज था एज अ मीडियम ऑफ ट्रांजेक्शन, उस हिसाब से 500 और 1000 के नोट बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ हो रहे हैं, बट वो कारण भी गलत हो जाएगा क्योंकि 11% 22% सॉइल रेट के हिसाब से तो इतना उसका चलन है नहीं। तो अर्थात क्योंकि बाकी के सारे ऑप्शन गलत हैं तो लास्ट ऑप्शन सही होना चाहिए क्या, कि मनी का एक फंक्शन था स्टोर ऑफ वैल्यू, उस हिसाब से ब्लैक मनी स्टोर करने के लिए 500,000 के नोट का प्रयोग हो रहा था एंड देयरफॉर उनको बैन किया गया, तो वो पूरे बढ़िया बढ़िया काम हुआ है। सर्वे ये भी ऑब्जर्वेशन दिखाता है कि जब महंगाई बढ़ती है तो जनता हाथ में करेंसी कम रखती है। वाई? क्योंकि हाथ में आप करेंसी रखेंगे आपका परचेजिंग पावर कम होने वाला है, और आप वो बैंक में भी जमा नहीं कराएंगे क्योंकि वहां पर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जो भी मिले बट रियल इंटरेस्ट रेट आपको पॉजिटिव में नहीं मिलेगा। सो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन पीपल वुड प्रीफर टू इन्वेस्ट देयर मनी इन गोल्ड एंड रियल एस्टेट। आप 70s में ऐसा पाएंगे क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ लड़ाई, सूखे की समस्या, तो महंगाई बहुत बढ़ गई थी। आगे चल के आप पाएंगे दूसरी बार ये होता है ऐसा बहुत बड़ा फॉल साल 2010 से 14 में, क्योंकि उस वक्त भी ट्विन डिजिट इन्फ्लेशन की समस्या थी, तो जनता गोल्ड रियल एस्टेट में ज़्यादा जाए, तो हाथ में करेंसी के रूप में पैसा कम रखते थे, और नोटबंदी के बाद तो स्वाभाविक है बैंक में सारा चला गया तो हाथ में पैसा कम दिखेगा। सो ग्राफ इज गोइंग डाउन। बस फिर बोल बच्चन के लिए कि ये 80s में जब 500 का नोट इशू किया गया तो व्हाट वाज द परसेंटेज टू जीडीपी, फिर 1000 का नोट इशू किया गया तब क्या कोई खास एक चीज़ें काम की नहीं। ऐसा ही और बोल बच्चन करते हैं कि भारत के अंदर सबसे बड़े मूल्य का नोट क्या है, क्या था 1000, पाकिस्तान के अंदर 5000, तो ये लोअर मिडिल इनकम ग्रुप के अंदर इतना बहुत बड़े मूल्य के नोट रहते हैं, और जबकि आप हाई इनकम ग्रुप देखिए ऑस्ट्रेलिया यूएस, वहाँ पर सबसे बड़े मूल्य का नोट क्या होता है, केवल $100। तो मतलब ये सारी विसंगतताएं। अब यहाँ पर मित्रों समझना ये भी है व्हाट आर द इन्फ्लेशन एंड प्राइस लेवल्स। अमेरिका के अंदर तो $10 में भी आप पिज्जा खरीद सकते हो, भारत में क्या 10 रुपये की नोट से पिज्जा खरीद सकते हो, नहीं, मिनिमम यू रिक्वायर सम 200 रुपीज़ टू 500 रुपीज़ डिपेंडिंग कि कितने लोग खाने गए। सो अकॉर्डिंगली जो डिनोमिनेशन है वो बनते जाएंगे बढ़ते जाएंगे कंपेयर टू देम। खैर ये सारी मतलब ऐसे ही 29 पन्नों में सुब्रमण्यम ने बोल बच्चन करके ये पूरा चैप्टर बनाया है। पढ़ने लायक चीज़ों में मुख्य परीक्षा के लिए इंट्रोडक्शन कंक्लूजन वो देखना है, देन सेकंड टेबल फॉर इम्पैक्ट एंड थर्ड टेबल कि अन्य कौन कौन से देशों में कब किया गया, दैट इज टेबल 3 इज फॉर प्रीलिम्स। प्रीलिम के लिए एक और चीज़ पढ़नी थी इंटर ऑपरेबिलिटी, बट वो मैंने आपको आगे भीम और डिजिटल मनी चैलेंजेस वहाँ पर सिखा दी थी, तो वो लेक्चर लिंक आप देख लेना। सर्वे ने कुछ प्रोजेक्शन दिए थे कि नोटबंदी के बाद जीडीपी कितना कम होगा और फॉर्मूला वगैरह, वो सारी चीज़ें की चर्चा हम करेंगे इन द फोर्थ पिलर जीडीपी कैलकुलेशन में। तो इस हिसाब से नोटबंदी करने के पहले दो कारण टू फाइट अगेंस्ट करप्शन एंड ब्लैक मनी वो हमने समझ लिया, बाकी के दो कारण कि काउंटरफेटिंग और टेरर फाइनेंस से लड़ने के लिए कैसे मदद करेगा उसके लिए हमने सीखना पड़ेगा कि नए नोटों के अंदर सिक्योरिटी फीचर क्या है। मित्रों RBI की वेबसाइट पैसा बोलता है .rbi.org.in वहाँ से मैंने कुछ चीज़ें उठाई हैं। अब यहाँ पर तो मैं आपको केवल एक छोटा ओवरव्यू दूंगा जो कि UPSC प्रीलिम और UPSC इंटरव्यू के लिए काम में लगे, बाकी बैंकों की खुद की परीक्षा के लिए वो ज़्यादा रिफाइन तरीके से पूछते हैं कि इसमें क्या सिक्योरिटी फीचर, तो आप ये लिंक पे जाके देख लेना। फॉर आवर पर्पज लेट अस जस्ट टेक एन ओवरव्यू। कॉइन मेडल करेंसी के अंदर जो फ्रंट साइड होती है उसको फ्रंट साइड नहीं बोलते, उसको बोलते हैं ऑबवर्स साइड। तो अगर आपको स्टाफ सिलेक्शन में पूछा जाए व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ ऑबवर्स, कन्वर्स, डाइवर्स, इनवर्स, रिवर्स, क्या होगा? रिवर्स। एनीवेज ये 10 रुपए का महात्मा गांधी सीरीज का नोट है, कोई अंधा आदमी इसको कैसे पहचान सकता है?
तो यहाँ पर कोई भी मार्क नहीं है उस हिसाब से, क्योंकि बाकी सभी नोटों के अंदर कुछ मार्क रहता है। जैसे 20 रुपए के नोट में ये वर्टिकल रेक्टेंगल होता है, मतलब वो ऐसे अंदाज में भी छू के वो महसूस कर सकता है। उसी प्रकार 50 के नोट में स्क्वायर रहता है, 100 के नोट में ट्राइंगल रहता है, पुराने वाले 500 के नोट में सर्कल और पुराने वाले 1000 के नोट में डायमंड रहता था। ये सारे हुए महात्मा गांधी सीरीज इनटू ब्रैकेट ओल्ड सीरीज नोट्स। इन सभी में गांधी जी कहाँ पर हैं, राइट साइड पे हैं और लेफ्ट साइड की ओर देख रहे हैं। तो फिर ये महात्मा गांधी इनटू ब्रैकेट न्यू सीरीज, उसमें गांधी जी कहाँ पर है, इज टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड और राइट साइड की तरफ देख रहे हैं, एक बात। दूसरा, यहाँ अंधा आदमी उसे नोट को कैसे पहचाने, दोनों तरफ आप पाएंगे ब्लीड लाइन्स हैं, 1 2 3 4 5, तो 500 की नई नोट ऐसे आप छू के महसूस कर सकते हो, 5 मतलब 500। उसी प्रकार एक बड़े ब्लैक सर्कल में 500 लिखा है, वो भी विजुअली हैंडीकैप पर्सन कैन फील इट। गांधी जी का जो चित्र है वो भी उभरा हुआ रहता है। मुझे आपको तो उतना स्पर्श से वो नहीं महसूस होगा, बट वी एज पर्सन कैन फील इट। इसके अलावा आप प्रकाश में देख सकते हैं ऐसे वाटरमार्क, सी थ्रू रजिस्टर है, बीच के अंदर ये एक थ्रेड रहता है, आप ऐसे ऊपर नीचे घुमा के देखेंगे तो इट विल चेंज द कलर, और वहाँ पर माइक्रोचिप नहीं है बाय द वे। दूसरे भी बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर हैं, जैसा मैंने बताया मित्रों आपको, बैंक की परीक्षा में और रिफाइन करके पढ़ना है, यूपीएससी के लिए हम इतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं। ये तो हुई 500 की नोट, तो फिर नई 2000 की नोट में क्या, और खास करके कि अंध व्यक्ति के लिए। 500 की नोट में 5 ब्लीड लाइन थी, तो उस लॉजिक पे 2000 की नोट पे तो 20 ब्लीड लाइन होनी चाहिए, परंतु आप सोचिए इतनी ज़्यादा ब्लीड लाइन होगी तो 1 2 3 4 गिनता जाएगा, कोई छीन के भाग जाएगा, इसलिए केवल 6 ब्लीड लाइन है। क्योंकि 500 की नोट पे 5 ब्लीड लाइन, उसके बाद बड़ा मूल्य का नोट कौन सा है, 1000 तो है नहीं, सीधा 2000 ही है, मतलब 6 तो समझ लो कि 2000 की नोट है। मित्रों इसी कारण से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर रीजनिंग एप्टीट्यूड स्किल के प्रश्न पूछने चाहिए, अदरवाइज कोई ऐसे ही सिलेक्ट हो गया तो फिर वो जब नोट डिजाइन करेगा ही वुड की 500 में 5 लाइन, तो 2000 की 20 लाइन करो। एनीवेज ऑब्वर्स साइड के अंदर क्या है वो देख लिया, नाउ व्हाट अबाउट द रिवर्स साइड। पुराने 500 और 1000 के नोट में अलग अलग भाषा में वो नोट का मूल्य लिखा जाता था, दैट थिंग वॉज ऑन द लेफ्ट साइड, नए नोटों में उसको जरा बीच में शिफ्ट कर दिया गया। एक बात, पुराने 500 के नोट में गांधी जी चल रहे हैं और लोग पीछे उनको फॉलो कर रहे हैं, पुराने 1000 के नोट के अंदर जो मन में आए सारे कट पेस्ट मार दिए फोटोग्राफ की, सैटेलाइट भी था, गेहूं चावल या कुछ ऐसा अनाज दिख रहा है, कुछ फैक्ट्री दिख रही है एंड सो फॉर्थ, ये पुराने नोट थे। नए नोट के अंदर 500 के नोट में रिवर्स साइड पे लाल किला है, 2000 के नोट पे रिवर्स साइड पे मंगलयान है। ये तो कुछ आइडेंटिफिकेशन एंड सिक्योरिटी फीचर हमने देखे। नाउ हाउ विल इट हेल्प अगेंस्ट द फेक करेंसी नेटवर्क। 500 और 2000 के भी नए नोटों की नकली नोट तो आए हैं, बट दे वेर मोस्टली स्कैन्ड एंड प्रिंटेड कंप्यूटर इमेजेस। एटीएम के अंदर भी चिल्ड्रंस बैंक ऑफ इंडिया ऐसे नोट निकल आए, बट वहां पर आरबीआई ने बोला है कि जो बैंक वाले एटीएम में पैसा भर रहे हैं दोज पीपल आर रिस्पॉन्सिबल, सो दीज आर ऑल स्कैन्ड एंड प्रिंटेड इमेजेस, तो उसको तो नकली है बोल के पकड़ना आसान है, बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर हैं। हाँ, ISI, दाऊद इब्राहिम, ये लोग जो पूरे ढंग से नकल करने का प्रयत्न करते थे, वो उनके नकली नोट छापने का भी मशीन हो, प्लेट हो, राइट, वो बनाना मुश्किल होगा, क्योंकि ये नए नोट आए हैं तो आपने प्लेट को घिस घिस के नई प्लेट बनानी पड़ेगी। और दूसरे भी सिक्योरिटी फीचर इतने सारे हैं कि नकली नोट आप छापने गए तो उसका भी उत्पादन का खर्चा, इन कॉस्ट एंड ऑल दिस थिंग्स, परिणाम स्वरूप प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, कि 500 नोट की नकली नोट छापने का ही हो सकता है दाऊद को खर्चा 450 रुपये हो जाए, देन ही मे थिंक कि इतना सारा मजूरी कौन करे, बेटर कि मैच फिक्सिंग और नार्कोटिक्स का धंधा अपना बेटर था। सो लाइक दैट इट विल हेल्प इन द फाइट अगेंस्ट द फेक इंडियन करेंसी नेटवर्क एंड टेरर फाइनेंस। असली नोट हैं कागज़ के तो घिस जाते हैं सॉइल रेट, या फिर कि उसकी नकल बनाई जाती है, इन दोनों को कम करने के लिए एक तरीका हो सकता है कि आप प्लास्टिक के नोट यूज़ करो। 1988 में ऑस्ट्रेलिया ने ये स्टार्ट किया और आज की तारीख में करीब 20 देश प्लास्टिक नोट यूज़ करते हैं। 2017 मार्च में बोला गया कि RBI 10 रुपये के पॉलीमर बेस्ड मतलब प्लास्टिक के नोट बनाएगा और उसका ट्रायल किया जाएगा 5 शहरों में, कोची, मैसूर, जयपुर, शिमला एंड भुवनेश्वर। अब ये 5 शहर इसलिए पसंद किए बिकॉज ज्योग्राफिकली एंड क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी है, मतलब कुछ जगह गर्मी ज़्यादा, कहाँ पर ड्राइनेस ज़्यादा, ह्यूमिडिटी, विंटर, उस हिसाब से वो प्लास्टिक के नोट अच्छे चलते हैं, बिगड़ जाते हैं, वो देखने के लिए अलग अलग शहरों में ट्रायल किया जाएगा। तो
तो दोस्तों ब्लैक मनी के सामने ये अलग अलग स्कीम, डीमोनेटाइजेशन, उसकी यूनिकनेस मैंने आपको बताई, सॉयलेट्स हमने समझ लिया, 97% ऑफ द बैंड नोट्स कैसे वापस आ गए सिस्टम में, फिर भी ये फेल्ड एक्सपेरिमेंट तो नहीं है। डीमोनेटाइजेशन इज अ टैक्स ऑन ब्लैक इकोनॉमी, शॉर्ट टर्म चैलेंज है वहाँ पर, लॉन्ग टर्म बेनिफिट है। एंड लास्टली हमने सिक्योरिटी फीचर भी एक ओवरव्यू ले लिया। इसके अलावा क्या कर सकते हैं? आजकल गल्ले पे भी एक चर्चा चली कि सारे प्रकार के डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स बंद करके उसके बदले एक बैंकिंग ट्रांजेक्शन टैक्स होना चाहिए। नाउ इज दिस प्रैक्टिकल और नॉट, केवल 4-5 स्लाइड में हम जल्दी से समझ लेते हैं। पुणे के अंदर एक अर्थ क्रांति ग्रुप, उन्होंने बाबा रामदेव को बोला और फिर इन सब ने बीजेपी के नेताओं को लॉबिंग किया कि ये 500 और 1000 के हाई नोट्स, हाई वैल्यू नोट्स को विड्रॉ कर दिया जाए। अब देखिए, जो काम हुआ है उसको हम विड्रॉल नहीं बोल सकते, रिप्लेसमेंट बोलना पड़ेगा, क्योंकि 500 के बदले नया 500 आया और 1000 के सामने तो अब नया 2000, मतलब उल्टा हाई वैल्यू नोट की डिनोमिनेशन बढ़ा दी। खैर, ये ग्रुप की दूसरी मांग कुछ इस प्रकार से थी कि सरकार ने सभी प्रकार के डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स को बंद कर देना चाहिए एक्सेप्ट इम्पोर्ट ड्यूटी, 2000 के ऊपर के सभी कैश ट्रांजेक्शन को प्रतिबंधित कर देना चाहिए। 2000 से ऊपर जो भी आपने लेन देन करनी है केवल डिजिटल मोड या बैंक मोड के द्वारा ही वो किया जाए, और ऐसा जो ट्रांजेक्शन हो रहा है बैंक के एक खाते से दूसरे खाते में, क्रेडिट एंड डेबिट, उसके ऊपर 2% टैक्स होना चाहिए, दैट विल बी कॉल्ड बैंकिंग ट्रांजेक्शन टैक्स। इसके अलावा आप बैंकों में अपना कैश जमा कराएं या विड्रॉ करें उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं, केवल बैंक के एक खाते से दूसरे में क्या, दैट क्रेडिट डेबिट पे 2% टैक्स। और इस प्रकार से टैक्स में जो रकम आई उसका शेयरिंग कैसे, केंद्र सरकार को 0.70%, राज्यों को 0.60%, लोकल बॉडीज को 0.35%, और बैंक क्योंकि पूरा नेटवर्क चला रही है तो उनको एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के स्वरूप में 0.35%, कुल मिला के 2% वाला बैंकिंग ट्रांजेक्शन टैक्स। बस अब यहीं से मुद्दा शुरू होता है कि वाई दिस एंटायर कंसेप्ट इज इम्प्रैक्टिकल। अभी 14 फाइनेंस कमीशन के हिसाब से केंद्र सरकार ने अपने टैक्सेस में से राज्यों को कितना हिस्सा देना पड़ता है, 42%, मतलब केंद्र के खुद के खर्चे के लिए कितना बचा, 58%। बैंकिंग ट्रांजेक्शन टैक्स में क्या है, केंद्र को मिलेगा 0.70% और कुल मिला के आउट ऑफ द 2%, तो अर्थात पूरी पाई के अंदर से 35% मिलेगा। अब ये बात सही है कि ये जो पूरी पाई है वहाँ पर राज्य सरकार के भी वैट, सेल टैक्स वगैरह, इनडायरेक्ट टैक्स जो एबोलिश हो गए और पूरा बहुत बड़ा पुलिंदा आउट ऑफ द बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स मिलेगा, तो वो बहुत रकम के हिसाब से बड़ा होगा। फिर भी कुछ एक्सपर्ट्स ने आंकड़े जोड़े कि पूरे साल में कितना बैंकिंग, बैंकों के जरिए ट्रांजेक्शन होता है, एंड देन दे फाउंड कि भाई उतनी बढ़िया और मोटी रकम केंद्र के हाथ में आएगी नहीं, तो फिर ये डिफेंस, एजुकेशन, साइंस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, इन सब के लिए पैसा कौन खर्च करेगा, क्योंकि राज्य सरकारों को जो टैक्स में हिस्सा मिलेगा उनकी तो ज़्यादातर मेंटालिटी होती है कि ये समाजवादी पेंशन योजना, विधवा सहाय, वोट बैंक के पॉपुलिस्ट मेजर वाली योजनाएं ज़्यादा करेंगे, आर्मी में इतनी बड़ी मिसाइल लानी वगैरह उसके लिए उनका तो कोई प्रायोरिटी रहेगा नहीं, सो लाइक दैट इट विल हर्ट द इकोनॉमी। दूसरी बात, नियम ऐसा रहेगा कि 2000 से ऊपर का कैश ट्रांजेक्शन प्रतिबंधित, केवल बैंक से क्रेडिट कार्ड, नेफ्ट, आरटीजीएस वगैरह से करो। मान लीजिए मुझे गाड़ी में 2500 रुपये का पेट्रोल भरवाना था, तो अगर मैं बैंक मेथड से ट्रांजेक्शन करूं तो उसके ऊपर 2% के हिसाब से 50 रुपये टैक्स बनेगा। अब वो बचाने का तरीका क्या होता है कि मैं 2500 का एक साथ पेट्रोल भराऊँ ही नहीं, 500 रुपये का एक बार डलवाया, राउंड मार के वापस आऊँ, दूसरा 500, 5 बार राउंड मारे तो कैश में वो लेगा और कोई टैक्स बनेगा नहीं। अब इस प्रकार से बहुत सारा अवॉइडेंस होगा जिसके कारण इन एब्सोल्यूट फिगर केंद्र के पास टैक्स में ज़्यादा पैसा आएगा नहीं। इससे लड़ने के लिए फिर आपने हर एक पेट्रोल पंप पे इंस्पेक्टर बिठाना पड़ेगा, बट उसको भी मैं 50 रुपये सरकार को टैक्स में दूँ, बेटर कि ये इंस्पेक्टर को 10 रुपये दे दिए, ब्राइबरी विल इंक्रीज। तीसरी समस्या, डायरेक्ट टैक्स दे आर प्रोग्रेसिव इन नेचर, मतलब अमीरों की जेब पे ज़्यादा बोझ डाल के आप गरीब कल्याण में यूज़ कर सकते हो, इनडायरेक्ट टैक्सेस आर रिग्रेसिव इन नेचर, अर्थात गरीब की जेब पे उसका बहुत ज़्यादा बोझ पड़ता है। परंतु बैंकिंग ट्रांजेक्शन टैक्स तो अमीर हो या गरीब जो भी बैंक से ट्रांजेक्शन करेगा उस अमाउंट का 2% लगेगा, सो इट इज़ अ फ्लैट टैक्स एंड फ्लैट टैक्सेस आर रिग्रेसिव इन नेचर, अर्थात वहाँ गरीब की जेब पे उसका बोझ ज़्यादा पड़ता है, पुअर्स विल बी हर्ट मोर। ये बात सही है कि इनडायरेक्ट टैक्स से वैट वगैरह बंद कर दिया जाए तो फिर पेट्रोल, डीजल, FMCG गुड्स दे विल गेट चीपर, परंतु फिर डीमेरिट गुड्स भी सस्ते हो जाएंगे। अभी तो हम सिगरेट, टोबैको वगैरह पे बहुत सारी एक्साइज रखते हैं, बहुत सारा वैट रखते हैं, बट यहाँ तो 2% ही हो सकता है मैक्सिमम, राइट? सो जो पहले अभी की जो एक्साइज वैट या फिर आने वाली GST सिस्टम में जो सालाना एक बार दारू पीते थे वो भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन टैक्स की रिजिम में हर हफ्ते शीशे से शीशा टकराना शुरू कर दें,
क्योंकि वहां पर भी अगर 2,000 रुपए की बॉटल आपने कैश में खरीदी तो कोई टैक्स तो लगने वाला है नहीं। ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, इन देशों ने ऐसे बैंकिंग ट्रांजेक्शन टैक्स के प्रयत्न किए बट कोई सफलता मिली नहीं। दे रिवर्टेड बैक टू कन्वेंशनल सिस्टम, इसलिए हमने कोई प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी केस स्टडी भी है कि भाई ये सफल नहीं रहता है। अभी के केंद्र सरकार राज्य सरकार के अलग अलग टैक्स को बंद करा के आपने ये लागू करना है, सो यू हैव टू अमेंड द 7th शेड्यूल। अब उसके लिए पार्लियामेंट की स्पेशल मेजोरिटी, 50% विधानसभाओं की अनुमति लाओ, वो पूरा करना। इवन जीएसटी में सबको कन्विंस करना इतना मुश्किल था मित्रों कि आप पाएंगे पेट्रोल डीजल टोबैको देसी और बाकी जो भी चीज़ों को देवगन ने टच कर दिया वो सारी जीएसटी रिजीम से बाहर है। तो अभी जीएसटी इतना कॉम्प्लेक्स है वो करने में इतनी मुश्किलें आ रही हैं, तो फिर ये बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स लाना तो इट इज़ इम्प्रैक्टिकल। तो फिर प्रैक्टिकली क्या संभव है जिससे हम अपना टैक्स बेस, टैक्स टू जीडीपी, टैक्स इनकम वो सब बढ़ाएं। नए इकोनॉमिक सर्वे के अंदर सुब्रमण्यम ने 5 टाइप की स्ट्रैटेजी दी है, अभी स्लाइड में आएगी, बट आप पाएंगे कि वो पांचों के अंदर अपना डोमेस्टिक सोर्सेज से टैक्स कलेक्शन बढ़ाने की बात की गई है। मतलब ये विदेशों से काला धन वापस लेके आए वो पूरी चीज बहुत उसमें दम लगता नहीं है, दैट इज प्रैक्टिकल नहीं है। देखते हैं, सबसे पहली स्ट्रेटेजी सुब्रमण्यम बताते हैं कि जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगेगा तो साथ साथ लैंड और दूसरी ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर भी लगना चाहिए। भले ऐसे ट्रांजेक्शन पर अभी डायरेक्ट टैक्स, बट बेटर कि यू कन्वर्टेड स्पेसिफिकली और वो जीएसटी लगाया जाए ताकि पूरा इनपुट क्रेडिट ऑनलाइन सिस्टम, तो वहां पर जो टैक्स इवेजन अवॉइडेंस हो रहा है उससे हम लड़ सके। दूसरा सुझाव देते हैं कि इंडिविजुअल इनकम टैक्स रेट, रियल एस्टेट स्टैम्प ड्यूटीज और कॉरपोरेट टैक्स, ये सभी को कम किया जाए। भाई लाफेयर कर्व आप याद करो, उस हिसाब से फिर एब्सोल्यूट फिगर में टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा। 2016 के बजट में बोला गया था कि ये कॉरपोरेशन टैक्स अगले 5 सालों में धीरे धीरे 30% से कम करके 25% करेंगे। तो नए सर्वे में बोला है कि भाई 5 साल का टाइम फ्रेम, उसको जरा जल्दी खत्म कर दो ताकि उतना जल्दी ये लाभ हो जाए। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हो सके उतनी सारी चीज़ें आप ऑनलाइन करा दीजिए, टैक्स पेयर और टैक्स ऑफिशियल के बीच जितना फिजिकल कांटेक्ट, ह्यूमन कांटेक्ट कम हो जाएगा तो अपने आप हैरेसमेंट, डिस्क्रिशन, करप्शन की समस्या वहां से लड़ सकते हैं और टैक्स कंप्लायंस बढ़ सकता है। एंड फिफ्थ स्ट्रेटेजी सुब्रमण्यम बताते हैं कि वी हैव टू वाइडन द इनकम टैक्स नेट ग्रेजुअली कंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स। मतलब इनडायरेक्टली वो क्या बोल रहे हैं, केंद्र सरकार एग्रीकल्चर पे इनकम टैक्स ले नहीं सकती और राज्य सरकार वाले लेते नहीं है बिकॉज ऑफ वोट बैंक, तो ये नेट बढ़ाने के लिए मतलब इनडायरेक्टली ही सेइंग कि भाई एग्रीकल्चर के ऊपर इनकम टैक्स होना चाहिए। वही बात आगे चल के नीति आयोग के मेंबर विवेक देबरॉय ने कहा कि टू एक्सपांड द आईटी बेस्ड टैक्स द रूरल सेक्टर इंक्लूडिंग फार्म। अब जैसे ही ये उन्होंने बयान दिया तुरंत ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया कि ये तो भाई केंद्र सरकार राज्यों की ये तो हक है एग्रीकल्चर इनकम का, हाउ कैन यू डिमांड इनकम टैक्स, और फिर गरीब किसानों से टैक्स लोगे तो और आत्महत्या करेंगे एंड सो फॉर्थ। फिर फायर फाइटिंग में जेटली ने बयान देना पड़ा कि नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। इवन नीति आयोग के वाइस चेयरमैन अरविंद पनागरिया, उन्होंने भी खुलासा करना पड़ा, ऐसा कोई अभी प्लान नहीं है। एंड ही सेड दैट रॉन्ग चॉइस ऑफ वर्ड्स कैन क्रिएट बिग न्यूज, जैसा कि ये हंगामा मच गया। आगे चल के सुब्रमण्यम ने जरा रिफाइन करके बोला कि एग्रीकल्चर इनकम तो वहां पर टैक्स द रिच फार्मर्स, जो 10 लाख 20 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर इनकम है बोल के एक टैक्स का एक पैसा ना केंद्र को देते हैं ना राज्य को, उनको जरा पकड़ने की जरूरत है, बट मेक क्लियर डिस्टिंक्शन अगेंस्ट द पुअर फार्मर्स। अब ये पूरे मुद्दे से अपने जनरल स्टडीज मेंस पेपर फॉर एथिक्स की केस स्टडी बनती है, हाउ टू कम्युनिकेट अ पॉलिसी प्रपोजल यूजिंग राइट वर्ड्स। तो मित्रों इस प्रकार से अपना इकोनॉमी का सेकंड पिलर बजट, यहाँ पर रेवेन्यू, रिसीप्ट, रिसीप्ट के अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, इंक्लूडिंग जीएसटी, इंक्लूडिंग बैंक मनी के मुद्दे हमने पढ़ लिए। नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट ये बाकी के जितने मुद्दे हैं वो खत्म करेंगे।